झारखंड में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों, खासकर यौन अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार जल्द ही सख्त कदम उठाने जा रही है। इसके लिए आंध्र प्रदेश के दिशा एक्ट की तर्ज पर झारखंड अपराध विधि संशोधन अधिनियम लाने की तैयारी चल रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। इस एक्ट के लागू होने के बाद दुष्कर्म और सामूहिक दुष्कर्म की घटनाओं में एक महीने के अंदर जांच और सुनवाई पूरी करनी होगी। इसमें दोषियों को कम से कम समय में उम्र कैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। आंध्र में एक कानून लाया है आंध्र सरकार ने कि एक महीना के अंदर जो है चार्जशीट हो जाएगा और ट्रायल हो जाएगा, कंक्लूड हो जाएगा ट्रायल, उसमें कन्विक्शन हो जाएगा। उसी के समय में इन्वेस्टिगेशन भी होना है, आपको चार्जशीट भी होना है, डे टू डे ट्रायल भी होगा, गवाही भी होगी और कन्विक्शन भी हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा कदम है क्योंकि इस तरह के मामले जो है जब तक शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं रह जाता है कानून का। और ऐसे भी जो है विदेशों में देखिएगा कि कोई भी केस जो है वहाँ सालों साल नहीं चलता, जो हमारे यहाँ का एक कहे के फैशन है। और ना गवर्नमेंट चाहती है ना जुडिशरी चाहती है, जुडिशरी भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है हमारे यहाँ डिले के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ भी चाहते हैं लोगों की डेट्स पड़ता रहे और ये पॉलिटिशियंस और क्रिमिनल्स को सूट करता है। इसलिए ये जो सरकार काम करने जा रही है ये हमको लगता है कि बहुत ही सराहनीय कदम है और हमको लगता है कि ये सरकार में पॉसिबल है, क्योंकि मिस्टर हेमंत सोरेन के हिसाब से वो बड़ा एक्टिवली काम करने में विश्वास कर रहे हैं और अभी जो इस टर्म में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, अभी तक तो सब चीज क्लीन है और बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। लगता है कि महागठबंधन सरकार की एक बहुत ही अच्छी पहल है ये, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जिस तरह राज्यों में दुष्कर्म का जो एक विभत्स रूप बार बार इस झारखंड में सामने आ रहा है, तो हमें लगता है कि स्वाभाविक तौर पे इस कानून को आने से उसमें थोड़ी सी कमी तो हमें लगता है कि जरूर आएगी। लेकिन दूसरी ओर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चेतना का भी इस पर जो है जागरूकता भी जो है इस पर बहुत जरूरी है। एक वैसे लोग जो इस दुष्कर्म के मामले में संलिप्त हो, हमें लगता है कि उनको एक सामाजिक बहिष्कार भी वैसे लोगों को किया जाना चाहिए, उनके परिवार को भी सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए, ताकि एक समाज का भी जो एक प्रेशर है वो ऐसे दुष्कर्मियों के ऊपर पड़े। लेकिन यह कानून आने से हमें लगता है कि दुष्कर्म की घटनाएं में थोड़ी सी रुकावट तो जरूर आएगी और ये एक बहुत बड़ी सफलता महागठबंधन सरकार की होगी। स्वदेश